श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। अध्याय एक जीव में जनन, उसके बाद यूनिट एक जनन या पहला लेसन है जिसमें यूनिट भी पहली प्रारंभ हो रही है। उसके बाद कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान, उसके बाद आता है जनन। जनन पहली हेडिंग है जनन। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है। जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण है। जनन द्वारा जीव अपने समान अन्य जीव संतति उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता जनन द्वारा ही संभव है। जनन द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। जो लिखा गया हेडिंग जनन रिप्रोडक्शन, जनन एक जैविक प्रक्रिया है या जनन के माध्यम से जीव की एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करता है। जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण और जनन रिप्रोडक्शन जीवों का एक प्रमुख मुख्य लक्षण है। जनन द्वारा ही जनन के माध्यम से ही जीव अपने ही समान हूबहू लगभग अपने ही समान अन्य जीवों या संतति उत्पन्न करते हैं पैदा करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता इसी प्रकार पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता मतलब लगातार यह क्रम जीवों का क्रम जारी है द्वारा ही संभव है। जनन द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थ और जनन के द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थ जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। उसके बाद हेडिंग आता है जनन का उद्देश्य। जनन का उद्देश्य, जनन का उद्देश्य क्या है? जनन के उद्देश्यों का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है जिसमें से है इसके अंदर है पहली हेडिंग है जाति की निरंतरता। पहला नंबर है जाति की निरंतरता। जाति की निरंतरता जनन द्वारा ही जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता मतलब लगातार बनी रहती है। यह प्रक्रिया किसके माध्यम से? जनन के द्वारा ही यह प्रक्रिया होती है। उसके बाद अगला नंबर हेडिंग आता है, दूसरा नंबर है जाति वृद्धि। समष्टि में उपस्थित जो भी जीव हैं जीवों में जनन द्वारा एक जाति के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। ए है जाति वृद्धि। उसके बाद फिर आता है अगला नंबर हेडिंग आता है, उसके बाद तीसरा नंबर हेडिंग आता है, तीसरा नंबर पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। पृथ्वी पर जीवन की
की निरंतरता। जन्म पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व उनकी निरंतरता को बनाए रखने हेतु आवश्यक है। हेडिंग है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, यानी जन्म द्वारा ही यह प्रक्रिया संभव है पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व और उनकी निरंतरता को बनाए हेतु जनन आवश्यक है। उसके बाद आता है जनन की विधियां। उसके बाद आता है अगला हेडिंग है जनन की विधियां। जीवों में जनन की दो प्रमुख विधियां पाई जाती है। जीवों में जनन की मुख्य रूप से दो विधियां पाई जाती हैं जो निम्नवत हैं। पहला नंबर है अलैंगिक, पहला नंबर है अलैंगिक। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या एकल एकल जीव जनन, एकल जीव जनन। उसके बाद दूसरा नंबर है लैंगिक जनन। जिसमें से पहला नंबर है अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन। अतः अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानों को पूर्वजक क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन के माध्यम से उत्पन्न जीव को क्लोन या पूर्वजक कहते हैं। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही प्रकार के जीव भाग लेते हैं जिन्हें एकल जीव जनन कहते हैं। जैसे गन्ना है या गुलाब का पौधा है, हम इन्हें कलम के रूप में काटकर मिट्टी में जब दबा देते हैं तो उन्हीं के द्वारा नए पौधे पैदा हो जाते हैं। वही है अलैंगिक जनन या एकल, मतलब अकेले, मतलब एक जीव की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानों को पूर्वजक या क्लोन, मतलब इनके द्वारा जो नए पौधे पैदा होते हैं उन्हें को क्लोन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, अतः इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। उसके बाद है अलैंगिक जनन के लक्षण। हेडिंग है अलैंगिक जनन जनन के लक्षण। अलैंगिक जनन के लक्षण निम्नवत हैं, जिसमें से पहला नंबर है यह केवल एक जनक द्वारा होता है। जैसा मैं अभी उदाहरण दिया, जैसे गन्ना है, गुलाब है, केवल पौधे के भागों को कलम के रूप में काटकर मिट्टी में हम दबा देते हैं थोड़ा सा भाग, तो इसमें नए पौधे पैदा हो जाते हैं। वही है यह केवल एक जनक द्वारा संभव है। उसके बाद दूसरा नंबर है इसमें युग्मकों गैमिट्स का निर्माण नहीं होता। इसमें जैसे लैंगिक जनन की भांति इसमें कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता है। वही है दूसरा नंबर, इसमें युग्मकों का निर्माण
नहीं होता, यानी कोई जनन करने वाले अंग की उत्पत्ति नहीं होती है। तीसरा नंबर है जनन के लिए विशेष जनन अंगों का, और तीसरा नंबर है जनन के लिए विशेष रूप से जनन अंगों का कोई निर्माण नहीं होता है। उसके बाद चौथा नंबर है अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तीव्रदर्शी होता है। अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत, लैंगिक जनन की अपेक्षा तीव्र तेज गति से होता है। जैसे गन्ना है, गुलाब है, कुछ हमारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम लगाते हैं, उसके बाद बहुत जल्दी से तैयार हो जाते, तीव्र तेज गति से तैयार हो जाते हैं।